प्लीज़ आप दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो 11:30 बजे है। ऑल दो मैं सुबह को भी निकला था, 6:30 बजे आज निकला था, मगर उस वक्त व्लॉग नहीं किया क्योंकि हर जगह धुआं धुआं भरे थे, फॉग थे और सर्दी भी थी। मगर व्लॉग करने का इच्छा क्यों नहीं हुआ गाइस? क्योंकि आज सुबह से नहीं, कल रात से मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्योंकि 8 तारीख को जो मैंने व्लॉग शूट किया वो भाई अपलोड होके नहीं दे रहा है। एडिटिंग किया, सब कुछ रेडी है, कल रात को ही मैंने व्लॉग अपलोड पे बिठाया, नेटवर्क ना मिलने के कारण वो व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। खैर ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है एक दिन, तो मैंने सोचा कि गाइस चलो सुबह को ही अपलोड कर दे। मगर सुबह को भी वही इशू है इंटरनेट का, व्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा है, 1% तक भी अपलोड नहीं हो रहा है। 1 घंटे 2 घंटे ऐसे बैठे रहा मैं, फ़ोन का चार्ज भी गया उसकी वजह से, तो भी अपलोड मतलब 1% भी अपलोड नहीं होके दे रहा था। और चार्जर तो मैंने ख़रीदा, चार्जर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो डाटा केबल था वो MI का एक मिला था, तो वो मैंने लगा दिया, मतलब मिला था नहीं, ख़रीदा मैंने। और तो अभी बहुत दिनों बाद ये हेडफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक यूज़ करने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए नहीं, अभी थोड़ा सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जा रहा हूँ और एक दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ करने के लिए। जब से मेरा आधार कार्ड बना है ना, सिर्फ मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का यही इशू है, जब से मेरा आधार कार्ड बनाया और जब से मैं वो आधार कार्ड को यूज़ करने के लिए जाता हूँ, जब जब तब भी प्रॉब्लम आता है। मैंने वो आधार कार्ड को यूज़ करके 2 सिम ख़रीदा, दोनों सिम में ही फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहा है। मेरे फ़ोन का फिंगरप्रिंट जब से दिया तब से वही फिंगरप्रिंट चले आ रहा है, ईजिली मैचिंग हो रहा है। ये लोग पता नहीं भाई कौन सा ज़माने का मशीन लगा के बैठे हुए है, फिंगरप्रिंट ही नहीं मैच हो रहा है भाई। खुद को तो भाई भूत मानता हूँ मैं, क्योंकि भूतों का ही सिर्फ फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। तो अभी एक बार मैंने फिर से जाके उन लोगों के पास जाके फिंगरप्रिंट को अपडेट किया, फिंगरप्रिंट के साथ साथ पूरा का पूरा चीज़ें जितने भी हो वो सारे के सारे अपडेट किया। मगर अभी जो आया बाड़ी, जो है ना रेशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने वाला, इसको लिंक करवाओ, इसको लिंक करवाओ, हर चीज़ के साथ लिंक करवाओ। खैर अगर गवर्नमेंट चाहते हैं तो हम सबके साथ सब कुछ लिंक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ठीक है, ये ज़रूरी भी है, मगर वही जो है ना घर के सामने आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है सब, मतलब ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाना नहीं पड़ता है लिंक करवाने के लिए, हम लोग के घर के सामने ही आ जाते हैं। जब आया बहुत दिन हो गया, 2 महीने हो गया इसका, जब आया लिंक करवाने के लिए मेरा फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं हो रहा था। और सबसे बढ़िया बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट तो दूर के बाद आधार कार्ड ही लॉक हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। जिन जिन लोगों के साथ हो रहा है वो नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। तो इसीलिए मुझे बोला गया कि कॉरपोरेशन में जाओ, जाके अभी फिंगरप्रिंट को फिर से अपडेट कराना पड़ेगा। अभी मुझे बात करने के लिए जाना है सिर्फ और सिर्फ, अब वो लोग कब डेट देंगे, कब ये सब कुछ होगा, आधार कार्ड अपडेट होगा, उसके बाद तो जाके लिंक करवाऊंगा ना। तो अभी थोड़ा सा छुट्टी, मतलब मुझे जाना ही नहीं हो रहा था क्योंकि भाई काम इतना है, कौन जाए उतना दूर, है ना, बहुत दूर है। ताकि जब मैं सुबह आऊँ थोड़ा सा नींद ले लूँ, मेरा सर फटा जा रहा है क्योंकि बहुत सुबह को मैंने उठाया आज और 1 बजे सोया, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और शाम को भी ट्यूशन जाना है। तो मगर फिर भी ये भी काम है, अभी यहाँ पे छुट्टी है थोड़ा सा इस वक्त, तो मैं इसीलिए जा रहा हूँ। अब देखते हैं कितना काम हो पाता है कि नहीं। वो लोग अगर बोले, मेरे पापा पहले गए थे, मैंने पापा को बोला था कि पोस्ट ऑफिस में जाके वो सब करवाना है, मगर फिर से अगर मैं पोस्ट ऑफिस जाऊँ तो भी बहुत दूर है पोस्ट ऑफिस, यहाँ से पोस्ट ऑफिस वहाँ पर से डबल दूर है, दूरी में है। तो पहले मैं एक बार ही कॉरपोरेशन हाउस में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आज के आज सबके सब हो जाए, ठीक है ना। अभी आधे घंटे बैठे रहने के बाद इन लोगों ने कहा कि मुझे फिर से पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके फ़ोन नंबर फिंगरप्रिंट जो भी हो अपडेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। हाँ यानी कि जो कॉरपोरेशन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेशन कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है, हमको जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं, जा रहे हैं, अभी बहुत दूर है, इधर जाके पोस्ट ऑफिस जो है वो हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ शायद देखना पड़ेगा। खैर पोस्ट ऑफिस आज अगर बंद हुआ और मेरा आज लक शायद ख़राब है, पोस्ट ऑफिस आज शायद बंद है, अगर काम हो जाए तो मैं लौटने के वक्त
बातें करूँगा। तो गाइज़ अभी अभी काम तो ख़त्म हो गया, फिंगरप्रिंट भी ले लिया और फ़ोन नंबर भी अपडेट हो गया, मगर फ़ोन नंबर जो था एक्चुअली मतलब प्रीवियस जो फ़ोन नंबर था मेरा, वो फ़ोन नंबर मेरे पास अभी नहीं है, वो फ़ोन जो है वो गुम हो गया था। मगर फिंगरप्रिंट ले लिया है, 72 आवर्स के अंदर अंदर वो अपडेट भी हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरे पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये था और इन लोगों ने भाई वो भी ले लिया मेरे से। भाई साहब, पहले बार अपडेट किया, फर्स्ट टाइम अपडेट करने से कुछ नहीं होता, सेकंड टाइम अपडेट करने से पैसा लगता है। और एक्चुअल मतलब ले तो लिया, उसका मैसेज भी आ गया कि आपके जेब से 50 रुपया कट चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही बुरा लगता है यार सच में, सिर्फ और सिर्फ एक उंगली का निशान लिया और फ़ोन नंबर लिया, उसके बदले में 50 रुपया। मगर अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, 72 आवर्स के अंदर अंदर जो मैसेज आएगा कि फ़ोन नंबर और फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, फिर से मुझे कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा। इस बार पोस्ट ऑफिस में नहीं, कॉर्पोरेशन में जाके डायरेक्ट राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाना है। मैं जब कॉर्पोरेशन में था, बैठे रहा, तब मैं यूट्यूब स्टूडियो देख रहा था, भाई किसी ने भाई अनसब्सक्राइब कर दिया, पता नहीं भाई क्यों, कंटेंट अच्छा नहीं लगता है क्या तुम लोग को। खैर, अनसब्सक्राइब कर दिया तो क्या होगा, मेरे फ़र्क नहीं पड़ता नंबर से, मुझे सिर्फ मज़ा आता है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और कुछ नहीं, चाहिए और मज़ा करना है बस, और कुछ नहीं। मेरे पास ये एक यूट्यूब के अलावा और कोई भी नहीं है टाइम पास करने वाला, मतलब दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ यूट्यूब में ही बातें करता हूँ ऐसे तुम लोगों के साथ। तुम लोग रिस्पॉन्स दो, सब्सक्राइब करो ना करो, कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वही गाना है ना जो कि मैंने पिछले ब्लॉग के मतलब कुछ ब्लॉग पहले गाया था कि तेरी पुकार अगर कोई ना सुने तो अकेले ही चलना पड़ेगा, तो ऐसे टाइप का भाई मेरे साथ ही सिचुएशन है, मेरे बात अगर कोई ना सुने तो अकेला ही बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बस यही तो ज़िंदगी है, कोई ना हो अकेला ही ज़िंदगी स्पेंड करना है मुझे। ऑल्दो मैं घर जाके और एक बार ट्राई करूँगा, देखूँगा कि इंटरनेट का क्या हाल है, अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अगर ना हुआ तो माफ़ कर देना मुझे, अगले दिन वो वीडियो पोस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टू टाइम एकदम पोस्ट हो जाएगा वीडियो। इस फाइनली वीडियो अभी अपलोड हो गया है, 9 बजे वीडियो अभी अपलोड हुआ, बहुत बाद, तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि कल भी मुझे ब्लॉगिंग करना है। तो मैंने सोचा था कि जो आज पूरा दिन ब्लॉग किया तो उसका और अगले दिन का क्लिप मैं एक साथ डाल दूँगा, मगर होपफुली भाई भगवान के दया से वो वीडियो अपलोड हो गया है 9 बजे। तुम लोग अगर नहीं देखे हो जाओ जाके देख लो वो वीडियो, और इस वीडियो का एंड मैं इधर ही करता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बी हैप्पी एंड बी सेफ़।